मैंने सुना इधर रेव पार्टी, मैंने कहा ये क्या होती है? बाबा जी इसमें कुछ लोग नशा पी कर लेते और फिर झूमते रहते हैं। मैंने कहा उसमें होता क्या? बोलो बेहोशी आ जाती है। तो भाई बेहोशी करने के लिए ड्रग लेने की क्या जरूरत है? मुफ्त वाला एक मिनट कर लो भस्त्री का, शून्य में चले जाओगे और बड़ा आनंद आएगा, पसीना आ जाता है एक मिनट के अंदर। तो कपाल भाती कर लो ज्यादा, ज्यादा मजा चाहिए तो तेजी से कर लो, और ज्यादा मजा चाहिए तो गोल गोल घुमा लो। अब कोई मोटा सा घुमाएगा तो आगे से नहीं पीछे से घूम जाएगा। प्राणायाम भी योग है, ध्यान भी योग है, आसन भी योग है। आप में समता है, ये योग है। आप झूठ नहीं बोलते। आदमी जब अपने स्वरूप में रहता है ना, वो गलत काम करता ही नहीं। मैं तो कहता हूं सारी दुनिया को ये तमाम तरह के उपदेश देना बंद करो। हर आदमी की आत्मा जानती है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है? मैं सब शास्त्र पढ़ के कह रहा हूं। हर आदमी की आत्मा को पता है अच्छा क्या है और बुरा क्या। गलत काम करने से आत्मा रोकती है, ऐसा मत कर। और कर भी लेता उसके बावजूद भी तो उसकी आत्मा धिक्कारती है तो बड़ा पापी है, बड़ा नीच है, बड़ा अधर्मी है। चाहे दुनिया की निगाहों से तो बच गया हो लेकिन तू ठीक नहीं है। हर आदमी को पता है ये पापों से आप बच सकें। ये आपको ये प्रकाश, ये प्रेरणा, ये हिम्मत, ये कहां से मिलेगी? ये अंदर से मिलेगी। आज मैं अपने बारे में कहता हूं, मैंने आज तक जिंदगी में कभी एक पैसे की चोरी नहीं की। स्कूल में पढ़ता था तब से लेके आज तक मेरे कॉन्शियस ने कभी अलाउ ही नहीं किया मुझे। नहीं तो बच्चे एक दूसरे की पेंसिल तो चुराई लेते हैं कम से कम, चुराई नहीं तो कम से कम अदला बदली कर लेते हैं कि अपने वाली उसके में रख दी, उसके वाली अपने में रख ली। मैंने आज तक एक बार भी चोरी की ही नहीं। झूठ बोलने की इच्छा ही नहीं हुई थी कभी। कोई बहुत ज्यादा कोई आपत्ति आ जाए कि कोई बात हो तो चुप हो जाते हैं। पहले तो मैं ज्यादा ही सच्ची सच्ची बात करता था, लोग बोलते बाबा जी आप तो ज्यादा हो गया। तो फिर आजकल मैंने एक और नया काम अपना रखा है, कोई ना बोल बहुत बात बोलनी हो तो मौन हो जाओ, कोई जरूरी थोड़ी है। आजकल इतने पॉलिटिकल मुद्दे चल रहे हैं साहब, उसमें बोलो तो फंसे, ना बोलो तो फंसे, बहुत बहुत फंसावट है, चुप हो जाओ, क्या दिक्कत है? गलत नहीं कर सकते। कितने लोगों ने आज इस यात्रा में मेरे साथ, लाखों नहीं, मैंने करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की, करोड़ों लोग जुड़े, करोड़ों। अभी 1 लाख लोगों का तो मैं सूर्य नमस्कार अभी अभी करा के आ रहा हूं, 1 लाख लोगों का छत्तीसगढ़ में भिलाई के अंदर आपने देखा, 1 लाख लोग पूरी काउंटिंग के साथ हाथे लोग। मैंने एक चीज देखी, मैं ये इसके बीच में जो एक बात आपको कहना चाहता हूं, कितने अच्छे लोग मिले, कितने बुरे लोग मिले, कभी मेरे मन में ये नहीं आया कि किसी ने यदि मेरी हत्या भी करने की कोशिश की। करीब मैं 10 बार मौत के मुंह में से बचा हूं, 10 बार। कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, कुछ लोगों ने कोशिश की। जिसने मेरी हत्या तक की भी कोशिश की उसके लिए भी मैंने कभी स्वप्न में भी बुरा नहीं सोचा। चाहे डॉक्टर साहब नार्को टेस्ट कर लें, कभी मेरे मन में नहीं आया कि मैं शक्तिशाली हूं और मैं चाहूं तो इसको उजाड़ सकता हूं। मैंने कहा नहीं, मैं कभी भी किसी का मन में भी बुरा नहीं सोचूंगा। राजनीतिक लोग हैं बहुत से, बहुत से आर्थिक क्षेत्र में लोग हैं, बहुत से सामाजिक क्षेत्र में लोग हैं, क्या है इसमें सोचना? यही योग है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये तो हमारा स्वभाव है, ये तो हमारा स्वभाव है भाई, इसमें सीखने की क्या जरूरत है? इसलिए आप सहज हो जाओ, योग सिद्ध हो जाएगा। लाइफ में डिसिप्लिन लेकर क्या हो? ये मोहन भाई बैठा, खड़ा है ना मोहन भाई, कितना वजन था? ये मोहन भाई को जानते हैं? मोहन भाई गुजराती है, बताना। देखो सब देख लो, इसने आपने दलीली को बोला था
तो कितना कितना था पहले, कितना था पहले वजन? 115 किलो था, अभी कितना है? अब 72 किलो है 115 से। ये लाइव एग्जांपल है, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, जब योग में एक बार शुरू हो जाते हो ना, आपके अंदर अपने आप चेंजेस आते जाते हैं। देखो मैंने बहुत, मैं आपको घंटों योग के बारे में शास्त्र के प्रमाण, एविडेंस, रेफरेंसेस, रिसर्च, उसके साथ बात कर सकता हूँ कि भाई योग बात करने का नहीं, योग करने का है। आप शुरू करो, कहाँ से शुरू करो? सुबह उठो, जल्दी उठो, ये योग है। सुबह उठ करके पानी पियो, कराग्रे वसती लक्ष्मी, कर्मूले तुम सरस्वती, कर्मध्ये तुम प्रभाते करदर्शनम, प्रभाते कपदर्शनम। चाय पी रहे, चाय पीना योग नहीं है? क्यों पीते हो भाई चाय? सुबह उठ के गर्म पानी पियो, फिर आसन प्राणायाम करो, और जब आसन प्राणायाम ध्यान ओंकार का करोगे, ये तीन काम कर लिया आपने, मैं आपको पूरा पूरी प्रामाणिकता के साथ कहता हूं, आप में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग और जितने भी योग हैं, सारे योग आप में घटित हो जाएंगे। तीन काम कर लो खाली, और मैंने ये किया है। मैं 9 वर्ष की उम्र से योग करने लगा, कोई सिखाने वाला नहीं था, किताब देख देख के, क्योंकि अब हम गांव में पढ़े, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, उस गांव के अंदर कोई कनेक्टिविटी नहीं आज तक भी, वहां से मैंने शुरू किया। लेकिन मैंने आसन किए, प्राणायाम किए, मेरा बहुत बुरी हालत थी, मेरे दोनों घुटने मिला करते थे, पेट बहुत मोटा था, और लेफ्ट साइड पूरा बॉडी में पैरालिसिस था, दोनों पैरों में मोटे मोटे फोड़े थे, पूरा शरीर बेढंगा सा, बहुत बुरी हालत थी। वहाँ से मैंने शुरू किया, आसन किए, प्राणायाम किया, ओंकार और गायत्री का ध्यान किया, करता गया। बुक सेकेंड हैंड, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई 1, गुरुकुल में पढ़ा वह 1, फिर योग किया उसमें 1, फिर आयुर्वेद को लेके आए उसमें 1, फिर स्वदेशी को लेके आए उसमें 1, फिर आंदोलन किया उसमें 1। अभी तक एक कुश्ती हुई, अभी एंड्रे एंड्रे था वो, रूस का ओलंपिक का विजेता, टीवी वाले दिखा रहे थे, वो बोले बाबा जी ने 12 पॉइंट से जीत ली कुश्ती। अरे हम ऐसा, हम कोई किसी को हराने के लिए नहीं आए हो, तो थोड़ा लोगों को आनंद कराना है, बाकी तो ऐसे कोई हार जीतने के लिए थोड़ी होता है कुछ भी। लेकिन अरे भैया आप में दम होना चाहिए, अब योगी का मतलब ऐसे थोड़ी है। बोले योगी जी महाराज आ रहे हैं, तो योगी मैंने देखा ऐसे मरे मरे से, गिरे गिरे से, ऐसे ऐसे, ये क्या डांस कर रखा है भाई, योगी जी महाराज आ रहे हैं मरे गिरे से, साधु जी महाराज आ रहे हैं, एक चेले ने ये हाथ उठा रखा, दूसरे ने ये, तीसरे ने कुल्ले के हाथ लगा रखा है, उठा के ला रहे हैं। ये तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, अभी तो तुम जवान हो, पतले हो जाओ, अगली बार मैंने इसलिए फोटो खिंचवाया। कॉन्फिडेंस रखो, कभी भी गलत बातों के साथ समझौता मत करना, मोटापा भी गलत बात है, गलत आदतों के साथ, बीमारियों के साथ, अपनी बुराइयों के साथ, अपनी कमजोरियां, पराधीनताओं के साथ कभी भी समझौता नहीं करना। मैं कहता हूं अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं, कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सब व्याहता, दाएं हाथ में मेरा पुरुषार्थ और बाएं हाथ में विजय है, मैं आगे बढ़ूंगा और जीतूंगा। ये योग, तो योग को लोगों ने ना, कुछ लोगों ने योग को एकदम, योग को ही डिप्रेशन में पहुंचा दिया। पहले योगी का मतलब, योगी कोई है जो मुस्कुराता, वो योगी नहीं है। हमने कहा हास्य योग, हंसो, ये भी योग है। एक बार जरा जोर से हंस के दिखाओ। कहीं ऐसे हंसने पर पाबंदी हो तो मुस्कुरा तो सकते ही हो ना, मुस्कुराने से आपका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं जिम्मेदारियां हैं जी, क्या करें, बहुत स्ट्रेस है। मैंने कहा किसकी जिम्मेदारी है? 4 बच्चे हैं, 1 बीबी है, इतना ही बहुत, 4-5 लोगों में स्ट्रेस। अरे हमने, तुमने एक परिवार की जिम्मेदारी ले रखी है, हमने 125 करोड़ के हिंदुस्तान के और 700 करोड़ की दुनिया की जिम्मेदारी लेके हम सबको दिव्य बनाएंगे। जिम्मेदारी से कोई स्ट्रेस थोड़ी होता है, हम जिम्मेदारी है, लेकिन
आनंद से करते हैं इस काम को, अपना कार्य पूरा करना। मेरे से बोले बाबा जी आप इतना सोचते हो फिजिकली, मैं यदि मेडिकल साइंस के बारे में बात करूं तो मैं 2 घंटे तक आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी के आधार पर ही बात करता रहूंगा। मेडिकल साइंस क्या है, उसका मकसद क्या है, बॉडी क्या है, एक एक सेल क्या है, उसके जीन्स क्रोमोसोम्स, उसका डीएनए, उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से एक एक सेल से और उससे टिश्यू, उससे ऑर्गन्स, और फिर कैसा रिप्रोडक्टिव एक्सेप्टर डाइजेस्ट स्केलेटन सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक हाइपोथैलेमस सिस्टम पूरा बॉडी वर्क करती है, किस तरह से ऑटोनॉमिक सिस्टम काम करता है, किस तरह से वॉलंटरी सिस्टम काम करता है, किस तरह से, ये तो मैंने मॉडर्न मेडिकल साइंस के एस्पेक्ट में कहा। फिर अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान में आनंदमय कोश कैसे काम करता है, 72,72,10,201 नाड़ियाँ कैसे काम करती हैं, अष्ट चक्र नव द्वार कैसे काम करते हैं, और कुंडलिनी शक्ति जब जागती है तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से किस तरह से शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण होता है और मानव मानव से महामानव बन जाता है। मैं इन सब के बारे में बात करूँ तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। फायदा इस बात से होगा कि आप योग को शुरुआत करो कल से, जिन्होंने नहीं किया है। एक ही जीवन का सूत्र है, बुरा काम बुरी आदत ज्यादा खाने की आदत, सुन ले मोटो मोटो, बुरा ज्यादा खाने की आदत, देर तक सोने की आदत, योग ना करने की आलस्य की आदत, 2 जीवन के सबसे बड़े दोष हैं। व्यक्तिगत जीवन में आलस्य और सार्वजनिक जीवन में द्वेष। आलस्य और द्वेष निकल जाए तो यह धरती ही स्वर्ग बन जाए। जीवन को बदलने का सूत्र दे रहा हूं, वैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं आजकल मोटिवेशनल स्पीकर मैंने सुना है 25-25, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए 1-1 लेक्चर के लेते हैं, और वैसे आजकल मेरा टाइम बहुत कीमती हो गया है। तो राठी साहब दोगे ना 1 करोड़ रुपए? ये पहले ही दे चुके हैं। मैं कोई फीस लेकर के आज तक कहीं मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए नहीं गया हूं। मैं आपको बता रहा हूं जीवन का सूत्र, सुन लो। बुरा काम गलत काम इच्छा होने पर भी मत करो, और अच्छा काम कभी कभी ना मन में तमोगुण रजोगुण सत्वगुण अलग पूर्व जन्म का प्रारब्ध, पता नहीं कौन सा कर्मा से कौन सी वासना कौन से संस्कार, ये जीवन का ना अनादि और अनंत का प्रवाह है, समझ भी नहीं आता। सब अच्छे अच्छों की वो कहते हैं ना साइकिल को कभी कभी क्या होता है चेन उतर जाती है ना, फिर कितनी घुमाते रहो कुत्ते फेल हो गए बोले, पता ही नहीं लगता कहां से गाड़ी पटरी से उतर जाती है। कभी कभी इच्छा ना होने पर भी ऐसा होता, कभी कभी अच्छा काम करने की इच्छा नहीं होती, सेवा करने की, ध्यान भजन करने की, योग करने की, दान पुण्य करने की, मतलब इच्छा ही नहीं होती कभी कभी ऐसा मन में। ये आप सबके अपने अपने मन का अध्ययन किया करो, आपको कभी कभी ये सारा चक्रव्यूह देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छा काम इच्छा ना होने पर भी करना, मैंने अपनी लाइफ में प्रयोग किया है और मैंने अपनी जिंदगी को बदला है। अच्छा काम चाहे योग है, कर्मयोग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, सेवा है, धर्म देश धर्म संस्कृति की रक्षा है, स्वाभिमान है, अच्छा काम इच्छा ना होने पर भी करो और बुरा काम इच्छा होने पर भी मत करो, एक पग भी पापों की ओर मत धरो, बस जीवन सुधर जाए। सुबह सोने की इच्छा हो उठ, खड़ा हो जाना, नहीं तो थोड़ी देर सो लो ना, फिर गया 2 घंटे फिर योग नहीं होगा। कभी कभी इच्छा होती है, आज शोभा ने इतने अच्छे व्यंजन बनाए, कितना खाया था मैंने शोभा? इतना खाया था। और मैं 1 साथ 250 ग्राम घी खा सकता हूँ, और कंपटीशन कोई करे तो 0.5 किलो पी सकता हूँ। लेकिन क्या भाई क्या करना है ये सब, इतना खाया, इन्होंने बहुत अच्छा बादाम का हलवा बनाया, 1 चम्मच खाई, कुछ जरूरी है थाली भर के खाना? ज्यादा खाने की इच्छा हो मत खाओ, आलस्य की इच्छा है मत करो, किसी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है तो अंदर ही अंदर आ रहा है तो अंदर अंदर ही पी लो, बोलो भी मत, एक बार जुबान खुली शर्म खत्म हो गई, एक बार भी उल्टा मत बोलो, एक बार भी किसी को बुरा मत बोलो, एक बार भी किसी को गाली मत दो। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैंने एक बार भी, मैं तो गुरु भी हूँ, बड़ा मानते हो सब मुझे, मैं तो गुस्सा कर सकता हूँ, लोग बड़े होने का ही तो फायदा होता है गुस्सा करते हैं, मैं छोटा है अपने से, इसको तो समझाना। राम कुमार जी आपके ऊपर आज तक एक बार भी गुस्सा किया? यहाँ कितने बैठे हुए हैं,
ये हरि भाई जैसे कितने कार्यकर्ता हैं, सब मैंने कहा ना सैकड़ों के तो मैं नाम से जानता हूं। क्या भाई क्यों करना, एक बार भी गलत काम नहीं करना, वाणी से व्यवहार से आचरण से कुछ भी क्यों करना भाई, गलत आदत पड़ जाएगी भाई। एक बार भी कोई गलत काम मत करो, अंदर से कौन से सब पता है। मैंने कहा कोई वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, अंदर सब वेद लिखा हुआ है, वेद मैंने पढ़ा है, वेद में ये लिखा है यस्मिन रिचस्सामिजन से यस्मिन प्रतिष्ठाधारथना भाव्यवहार यस्मिन चित्तम सर्वमोतम प्रजानम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। चार वेद अंदर ही, जब वेद में लिखा है कि चार वेद अंदर है तो फिर अंदर की सुन ले। बस आज का ये सूत्र लेके जाओ कि बुरा विचार आए तो भी उसका आदर नहीं करो, हट परे को, बंद टॉपिक, बंद चैप्टर, बंद क्लोज। एक बार भी मैं विचार ही नहीं तो ऐसी संतति शुरू होती है साहब, ऐसे बीज इसके पैदा होते हैं, जैसे वो रक्त बीज बोलते हैं ना, एक बीज पड़ी तो फिर राक्षस पैदा हो गया, फिर राक्षस। ये रक्त बीज तुम्हारे दिमाग में पैदा हो रखा है, अपने भीतर के रक्त बीज को खत्म कर दो आज से। गलत विचार करना ही नहीं है, जब गलत विचार ही नहीं होगा, मैंने कहा थॉट्स इमोशंस एंड एक्शन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप में धरती जैसा धैर्य हो, 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी एंड पूरा यूनिवर्स फॉर्म हुआ है, धरती जैसा धैर्य हो, अग्नि जैसा तेज हो, वायु जैसा वेग हो, जल जैसी शीतलता और आकाश जैसी विराटता आपके जीवन में हो, यही इस जगत का सत्य है। और तुम्हारे अंतर के द्वार सभी के लिए खुले हुए होने चाहिए, सारा अस्तित्व मेरा है, अहम ब्रह्मास्मि ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम, सब में मेरा एक ही सच्चिदानंद भगवान है, तो फिर काहे किसी से बैर होगा, है ना, कितना आनंद होगा जीवन में। और बस भगवान ने जो ज्ञान दिया है, जो निष्ठा दी है, जो कर्म करने की शक्ति दी है, भगवान का यंत्र अपने आप को बना दो। भगवान तो जैसे अब एक माँ बाप अपने संतान को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे भगवान अपना सारा ऐश्वर्य हमें देने के लिए तैयार बैठे हैं। मैंने तो यही अनुभव किया है, मेरे भगवान ने मेरी हैसियत से औकात से ज़्यादा हजारों लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा मुझे सब कुछ दिया है। एक बार अपने अंतर के द्वार प्रभु की ओर खोलो, तुम्हारी झोली भर जाएगी, छोटी पड़ जाएगी, इतना देने वाला दे देगा। ये जो प्रयोग है यहाँ पर योग सेंटर का, इस योग सेंटर के प्रयोग से मुझे लगता है इस चिकित्सा के क्षेत्र में एक नए दौर की शुरुआत होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं बहुत दिनों से ऐसे सोचता, करीब 1 साल से मेरे मन में विचार आ रहा था कि मैं यद्यपि योग आयुर्वेद और जो हमारी प्राचीन वैदिक परंपराएं हैं, और उसके साथ मैं तो शुरू से बोलता हूँ, मैं आधुनिकता और आध्यात्मिकता दोनों को साथ में लेकर के चलने वाला हूँ। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक तरफ हमारे हाथों में वेद और वेदांत का, ऋषियों का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरे हाथ में आधुनिक विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो प्राचीन जो हमारी योग विद्या है, अध्यात्म विद्या है, आयुर्वेद की विद्या, इसको तो हम साथ में लेकर चले रहे थे। जब मैं उधर दिल्ली आदि शहरों में देखता हूँ ना, ऐसे हजारों लोग भेड़ बकरियों की तरह वहाँ कॉरिडोर के अंदर पेशेंट पड़े हुए हैं, जो हॉस्पिटल के बाहर गार्डन है वहाँ पेशेंट पड़े हुए हैं, बाहर वहीं लेटे लेटे ही किसी को जो है डिलीवरी हो जाती है, बाहर लेटे लेटे रोगी तरफते तरफते मर जाते हैं, इतने ज़्यादा। अच्छा अब लोग आलसी तो हैं, अब सब लोग तो योग नहीं करते नहीं, क्या करें, पता उनको फिर भी नहीं करते। डॉक्टर जानता है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे भाई धनंजय जी, सच्चाई बात है, डॉक्टर जानता है कि बीड़ी सिगरेट शराब अच्छा नहीं है, फिर भी वो बहुत से लोग डॉक्टर लोग शराब पीते, क्या करेंगे आप। लोगों को पता है कि जो है योग अभ्यास करना चाहिए, आदतें ठीक करनी चाहिए, फिर भी लोग बीमार होते हैं, लेकिन फिर भी तो मनुष्य है, तड़फते हुए। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था एक ऐसा हॉस्पिटल दिल्ली के पास भी बनना चाहिए, तो आज धनंजय जी मिले तो मुझे लगता है ये काम हो सकता है। जहाँ गरीब लोगों के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। देखो मैं तो भाई देखो एक बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुआ, मैंने इतना अन्याय देखा है ना, इनजस्टिस देखा है, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर। तो ये दो क्षेत्रों में तो ये तो मेरा मेरे मन का सपना है कि शिक्षा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जैसे कोई अमीर का बचाओ या गरीब का बचाओ, दोनों के लिए एक जैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, एक जैसी शिक्षा।
और सबके लिए चिकित्सा होनी चाहिए। वो काम यहाँ हॉस्पिटल में हो रहा है कि कोई भी गरीब आदमी आता है वो यहाँ से, चाहे उसके पास पैसा है कम है या नहीं है, सबका यहाँ इलाज होता है। ये मैंने हिंदुस्तान में पहली बार देखा है कहीं किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे जैसे साधु संत फकीर बहुत सी जगह करते हैं छोटे बड़े रूप में, लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जहाँ 2-4, 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए लग जाते हैं एक एक पेशेंट के ऊपर, टेस्टों में 50,000 रुपए से लेकर के दो, कई बार लाख लाख, दो दो लाख रुपए लग जाते हैं, उनमें ऐसा काम करना ये बहुत बड़ी मानवता की सेवा कर रहे हैं। मैंने भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, मैंने कनाडा के, अमेरिका के, यूएस के, ऑस्ट्रेलिया के, जापान के, पूरी दुनिया में लगभग मैं घूमा हूँ, और इधर सिंगापुर के, वहाँ भी कोई हमारे एक परिचित थे, वो किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए चले गए थे, तो फिर बोले जी अब मैं यहाँ रुका हुआ, मैं गया हुआ था सिंगापुर, तो उसको भी आशीर्वाद देने को, वहाँ भी मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल देखे। लेकिन जैसा हॉस्पिटल आप लोग यहाँ चला रहे हो, वैसा हॉस्पिटल देश नहीं पूरी दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा। ये इसलिए नहीं कि मैं मेरा प्रेम है धनंजय जी से, लता जी से, उषा जी से, या इस आप परिचित हैं आप लोग मेरे, नहीं, आप वास्तव में ये मैंने ये हॉस्पिटल नहीं, मैंने कहा ना ये तीर्थ जैसा आप काम कर रहे हो, और यहाँ आकर के बहुत प्रसन्नता हुई, योग का कार्य और आगे बढ़ा रहे हैं और प्रसन्नता हुई, और मुझे लगता है इसी तरह से और बहुत श्रेष्ठ कार्य आगे संपादित होते रहेंगे, क्योंकि इतनी पुण्य आत्माएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं और सबकी सोच में बहुत दिव्यता है। एक बार जो है रामकुमार राठी जी का, पूरे परिवार का, जिन्होंने इस योग केंद्र के लिए इतने उदार मन से ये अपनी आहुति दी सेवा में, और उसके लिए अपने आप को इन्होंने प्रस्तुत किया, और मैं पूरे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, श्रद्धा महिमा लता दीदी का, और भाई धनंजय जी का, और बहुत ही प्यारी बहन जो है हमारी स्वाति जी का, एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत अच्छा, सबको बहुत बहुत प्रणाम, भारत माता की जय। मैं डॉक्टर धनंजय केरकर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे योग केंद्र के बारे में विस्तार से बताएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर केरकर दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय के वैद्यकीय संचालक हैं, उनके बारे में मैं और क्या कहूँ, मैं कम ही बोलूँ तो बेहतर होगा। योगा महर्षि पूज्य स्वामी रामदेव जी, उषाताई पंडित जी, मंगेशकर परिवार के सभी सदस्य, राम कुमार जी राठी, शोभाताई, उनके परिवार के सदस्य, देवियों और सज्जनों, आज दीनानाथ रुग्णालय में एक नए पर्व का आरंभ हो रहा है। मुझे विशेष गर्व है कि अत्याधुनिक चिकित्सा केंद्र जितने भी देश में या पूरे दुनिया में है, उसमें योगा का स्थान अभी तक नहीं बना हुआ है, और महाराष्ट्र में ये पहला रुग्णालय है जो योगा केंद्र शुरू करने जा रहा है। ज़्यादा करके रुग्णालय तो बीमार लोगों को देख के खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब अपना बिजनेस अच्छा चलेगा। अमेरिका में तो मानो नफाखोरों के हाथों में वैद्यकीय सुविधा जा चुकी है। ऐसी स्थिति में मैं कभी कभी हॉस्पिटल ओनर्स जो हॉस्पिटल चलाते हैं उनसे मिलता हूँ, तो कोई बोलता है मैं बीड़ी सम्राट हूँ, कोई बोलता है मैं लंदन स्थित शराब सम्राट हूँ, कोई बोलता है मैं पूंजीपति हूँ, कोई बोलता है मैं उद्योगपति हूँ, कोई बोलता है मैं बीमा व्यावसायिक कंपनी चलाता हूँ, कोई बोलता है मैं फार्मा कंपनी चलाता हूँ, तो सामान्य आदमी रुग्णालय कैसे चलाए। ऐसी स्थिति में जब एक प्रसिद्ध गायिका अपने पिता की स्मृति में आम लोगों के लिए अस्पताल बनाती है, और ज्ञान प्रबोधिनी जैसे युवा डॉक्टर्स उसे मिलकर एक सपना साकार करते हैं, तब जाके दीनानाथ जैसा अलग रुग्णालय बनता है। अब थोड़ा सा योग के बारे में देखें। योग कोई पुराणों की कल्पित कथा नहीं है, यह आज हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण विरासत और आने वाली कल की वैश्विक संस्कृति है। यानी योग का जो महत्व है अभी पाश्चात्य लोगों से हमें समझने लगा है। योग की जो शुरुआत थी वो पुराणों के अनुसार भगवान शिव और पार्वती योग के जनक माने जाते हैं, लेकिन उसके बाद में योग का जो उल्लेख मिलता है वो पुराणों और उपनिषदों में मिलता है। उसके बाद में ईसाई पूर्व दूसरी शताब्दी में योगी पतंजलि ने उसका पहला ग्रंथ योग सूत्र निकाला। आज भी इतने सालों के बाद भी
विश्व का ये सर्वोत्तम योग ग्रंथ है योग।